माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब ये कह सकते हैं हम कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है, बुक है एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टू फॉर्म्स, दो तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस, दिस इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और दूसरा तरीका है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर इज 4/3 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन टू फॉर्म, दो तरीके से पूछा जा सकता है। और मैंने आपको पहले भी कभी आपने मेरे वीडियो देखे हों तो मैं आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि वेन एवर यू आर गिवन सर्कल और स्फीयर इट मींस यू आर गिवन रेडियस। तो हमें इस केस में क्या दिया है, स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर एक बना लेते हैं। ये एक हमने स्फीयर बना लिया। इस स्फीयर में ध्यान से देखिए, इस स्फीयर में एक कोन, माफ़ कीजिएगा एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बना पा रहा मैं, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये एक कोन बना दिया, कोन किसके अंदर बना दिया है हमने, स्फीयर के अंदर बना दिया है। एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, वो इस बात का होता है, ये इस कोन का, ये स्फीयर का सेंटर है, ये इसकी स्फीयर की क्या होगी, ये रेडियस होगी, ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये एक्स होगा और ये आर नहीं होगा। ये आप देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ये आर से कुछ कम है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है, हम इसको वाई अज्यूम कर लेते हैं। इस राइट ट्राइंगल में ओ ए बी, इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, हम इस राइट ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस यूज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको नंबर दे दिया हमने 1। अब हमें क्या, देखो लिखा हुआ है इसमें कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो मैं V लिखता हूँ, V इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट, तो यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन, π/3 रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। तो रेडियस क्या चीज़ है इसकी, तो इसकी रेडियस यानी कोन की रेडियस, स्फीयर की रेडियस नहीं, तो ये हो जाएगा π/3। कोन का रेडियस आप देख सकते हैं इसमें, ये है एक्स स्क्वायर। और हाइट क्या चीज़ है इसकी, तो हाइट आप देखिए कोन की y प्लस आर है, तो ये हो जाएगी y प्लस आर। इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं 1 से एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस आर, या आर प्लस वाई, सेम चीज़ है आर प्लस वाई। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फिर हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से इसको v की वैल्यू है हमारे पास π/3, फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा r माइनस वाई इंटू आर प्लस वाई इंटू आर प्लस वाई, तो हमारे पास आ जाएगा r प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पास π/3 r माइनस वाई इंटू आर प्लस वाई होल स्क्वायर। अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, तो टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वी शैल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, क्योंकि इसमें वाई वेरिएबल है, तो माफ़ कीजिए मैंने एक्स कहा था, विद रिस्पेक्ट टू वाई। π/3 कांस्टेंट बाहर रख दें, आर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 0-1, आर का 0 क्यों, बिकॉज आर इज गिवन, आर इज अ कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे अभी नेक्स्ट टाइम, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे आर माइनस वाई को, और आर प्लस वाई का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 × r + y⁻¹ और r प्लस वाई का होगा 0+1, y 0+1 बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y,
अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तब y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है, बट वी हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया. अब ब्रैकेट क्लोज, क्या कॉमन आ रहा है, दैट शुड बी टेकन कॉमन, उसको कॉमन ले लेते हैं. तो r प्लस y कॉमन आ रहा है हमारे पास, हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा माइनस r प्लस y प्लस 2 टाइम्स r माइनस y. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, पाई बाय 3 आर प्लस वाई माइनस आर, ध्यान दीजिए माइनस आर प्लस 2r इज r, माइनस वाई माइनस 2y इज माइनस 3y. तो ये अब हो चुका है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है. अब इसको टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं. तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए dv/dy शुड बी इक्वेटेड विद व्हाट, इट शुड बी इक्वेटेड विद 0. तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dy शुड बी इक्वेटेड विद व्हाट, इट शुड बी इक्वेटेड विद 0. तो पाई बाय 3 इंटू आर प्लस वाई आर माइनस 3y, इसको 0 से इक्वेट कर दें तो व्हाट वी ऑप्टेन, लेट अस सी, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 इज नॉट 0, तो इसको 0 का पॉन में भेज सकते हैं, आर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और आर माइनस 3y इक्वल टू 0. तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस r विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव. और दूसरी जो y की वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यू होगी, वो इससे आएगी r बाय 3. अब हमें ये पता लगाने के लिए, तो y की वैल्यू r बाय 3 है, ध्यान से देखें, y की वैल्यू अगर r बाय 3 है तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी y प्लस r. किसकी हाइट, हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी y प्लस r, r बाय 3 प्लस r इज व्हाट, एलसीएम ले लें आप 3r प्लस r, 4r बाय 3. तो जो फर्स्ट सेकंड पार्ट था इसका, जो और पार्ट था उसमें यही पूछा था कि हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज दिस मच, 4r बाय 3. पर हाँ, उसमें ये बताना अभी बचा हुआ है कि ये वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा. तो टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करने के लिए, द कोन इज द लार्जेस्ट कोन, द कोन इज द लार्जेस्ट कोन या वॉल्यूम इज मैक्सिमम, दोनों एक ही बात है, द कोन इज द लार्जेस्ट. तो डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर निकालना होगा, तो डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पर, डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर. तो डी वी बाय डी वाई जो आया है इसमें आप ध्यान से देखें, पाई बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर रखा, आर प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1, आर माइनस 3y कॉन्स्टेंट प्लस आर प्लस वाई कॉन्स्टेंट आर माइनस 3y का 0 माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज. अब y की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, y की जगह रखेंगे हम r बाय 3. तो ध्यान से देखें, y की जगह r बाय 3 रख देते हैं. देयरफॉर डी टू वी बाय डी वाई स्क्वायर एट y इज इक्वल टू आर बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 3 ब्रैकेट r माइनस 3 इंटू आर बाय 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस r प्लस 3 आर बाय सॉरी r प्लस आर बाय 3 इंटू माइनस 3 माइनस 3. तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 4r बाय 3 और ये 3 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 4r माइनस 4r पाई बाय 3 विच इज नेगेटिव. इसका मतलब दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन x is y is sorry when y is r by 3. अब हम चाहते क्या है, तो दूसरे पार्ट में हम चाहते थे कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन
इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये चाहते थे हम। तो अब हम चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो ये तो हमने निकाल दिया कि वॉल्यूम लार्जेस्ट कब होगा, तो वॉल्यूम लार्जेस्ट जब होगा जब वाई की वैल्यू आर बाय थ्री होगी। पर वो लार्जेस्ट वॉल्यूम एट क्या होगा देखते हैं। तो वो लार्जेस्ट वॉल्यूम निकालने के लिए जो वाई की वैल्यू आर बाय थ्री है वो हमें वॉल्यूम के इसमें रखना पड़ेगी, एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगी, वॉल्यूम की इस इक्वेशन में रखना पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन कब आएगा, जब हम ये वाली y की वैल्यू r बाय थ्री इसमें रख देंगे, इसमें v इज इक्वल टू पाई बाय थ्री आर माइनस वाई इंटू आर प्लस वाई होल स्क्वायर, इसमें हम y की जगह क्या रख देंगे r बाय थ्री रख देंगे, तब हमारे पास v क्या हो जाएगा, मैक्स। तो v मैक्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम पाई बाय थ्री आर माइनस आर बाय थ्री इंटू आर प्लस आर बाय थ्री होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, पाई बाय थ्री आर माइनस आर बाय थ्री इज व्हाट, टू आर बाय थ्री, आर प्लस आर बाय थ्री इज व्हाट, फोर आर बाय थ्री होल स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखिएगा क्या होगा, पाई बाय थ्री इंटू थ्री नाइन, 9 इंटू दिस 3 स्क्वायर 81, 2 इंटू दिस 4 स्क्वायर 32, पाई इज देयर, आर इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट, आर क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 8/27, 8 इंटू व्हाट 4, 27 इंटू दिस 3 पाई आर क्यूब। ये क्या चीज है दोस्तों, यही तो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हो गया, क्या हो गया, v max of cone, कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो दोस्तों ये था इसका सॉल्यूशन, होप कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसको बेहतरी से समझ पाए होंगे। अगर सब कुछ अच्छा है तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को बताएं, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं। मेरी बेस्ट विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट।